लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में सदस्यता के संबंध में बैठक के बाद सुनील बंसल ने सदस्यता प्रमुख और क्षेत्रीय सदस्यता प्रमुख को लाभार्थियों से मुलाकात के निर्देश दिए। 6 जुलाई से सदस्यता अभियान चला जाएगा। सीएम आदित्यनाथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां सीएम गोरखपुर बस्ती मंडल के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सांसद रविकिशन भी मौजूद रहे। सीएम योगी रविवार को आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे। दौरे को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कानपुर में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने ग्राम पंचायत की विशेष बैठक की। वर्षा जल संचयन कार्यक्रम में पहुंचकर प्रधानमंत्री के द्वारा समस्त प्रधानों को दिए गए पत्र को पढ़कर सुनाया। लखनऊ में एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यूपी की जनता ने बीजेपी को 64 सीटें दी हैं, जो बीजेपी की अभूतपूर्व विजय है और हम जीत के बाद चुप नहीं बैठेंगे। वाराणसी में घोसी से सांसद अतुल राय ने सरेंडर किया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1 की कोर्ट में कॉलेज की पूर्व छात्रा ने सांसद पर रेप के आरोप लगाए थे, जिसके बाद बार बार तारीख लेने के बाद कुरहित का नोटिस दिया गया। लखनऊ में भारत समाचार चैनल के स्थापना दिवस पर ब्यूरो चीफ वीरेंद्र सिंह ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें राम मनोहर लोहिया अस्पताल के लगाए गए शिविर में कर्मचारियों और लोगों ने रक्तदान किया। रामपुर में डीएम पंजाब नगर गांव पहुंचे, गांव के बाहर जाकर एक नवनिर्मित तालाब का जायजा लिया। तालाब की स्थिति बेहतर कराकर फलदार पेड़ लगाए। एक परिवार एक पेड़ लगाने के गांव वालों को निर्देश दिए। फतेहपुर के सुल्तानपुर घोष थाने के मोहम्मदपुर गांति गांव के जंगल में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोंडा में 2 भाइयों के बीच विवाद में 8 माह की मासूम के उपचार के दौरान जिला अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 2 भाइयों के खिलाफ गैर इरादतन मुकदमा दर्ज करते हुए बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लखनऊ में हर्षा अस्पताल पर महिला ने किडनी निकालने का आरोप लगाया है। 2006 में हर्षा अस्पताल में महिला ने प्रसव कराया। ललितपुर में 3 दिन से लापता मासूम बच्चे का शव मिलने से इलाके में सनसनी। पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरदोई में पत्नी से विवाद के बाद युवक ने खुद के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। मेरठ में बहाली के नाम पर होमगार्ड से रिश्वत मांगी गई, जिसके बाद होमगार्ड की हालत बिगड़ गई। होमगार्ड कंपनी कमांडर पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाता रहा। वाराणसी में प्रेमी युगल के जिद के आगे परिजनों को झुकना पड़ा और थाना परिसर में स्थित हनुमान मंदिर में ईश्वर को साक्ष मानते हुए दोनों ने दूसरे को वर्मा लगाया। एटा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 240 पेटी अवैध शराब बरामद करने के साथ ही पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। कासगंज में आबकारी विभाग और पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। साथ ही अवैध शराब के 2000 खाली क्वार्टर, 800 रैपर और 300 शराब से भरे क्वार्टर बरामद किए। जौनपुर में चोरों ने घर में घुसकर लाखों की चोरी की, पुलिस परिजनों की तहरीर पर घटना की जांच में जुटी। हरदोई की संडीला पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय वाहन चोर अरेस्ट किए हैं, जिनके कब्जे से एक बुलेरो व कई अन्य गाड़ियों के कागज भी मिले हैं। कानपुर में अंधा कुआं के पास महिला से बाइक सवार लुटेरों ने चैन लूट ली। हफ्ते भर में कई लूट की घटना होने के बाद भी पुलिस खामोश। मुजफ्फरनगर में युवती का शव खेत से बरामद होने पर पूरे इलाके में सनसनी। हत्या के बाद खून से लथपथ शव को खेत में छोड़कर हत्यारे मौके से हुए फरार। झांसी में नाले में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। युवक की हत्या कर नाले में फेंके जाने की आशंका। हरदोई के अतरौली इलाके में एक शादी में बड़ा धोखा, लड़की के घर वालों ने लड़की दिखा के थर्ड जेंडर से युवक की शादी करवा दी। अमरोहा के जोया नगर पंचायत कस्बे में अतिक्रमण अभियान में कांग्रेस नेता बाधा बन रहा। यो नगर पंचायत से बस लुटी की, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सोनभद्र में शॉर्ट सर्किट से सीएमओ कार्यालय में आग लग गई, दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। चंदौली में जिला जज का पूर्व चालक ट्रेनों में यात्रियों के साथ गैंग बनाकर महंगे सामान चोरी करता था। जीआरपी पुलिस ने 3 गिरोह के साथ 22 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 1 टैबलेट सहित 9000 नकद बरामद किया। देवरिया में मूसलाधार बारिश हुई, बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल दी, कई जगहों पर भरा बारिश का पानी। बाराबंकी में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता का पेड़ से लटका शव मिला। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या कर शव पेड़ से लटकाने का आरोप लगाया। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमती नगर में आम महोत्सव 2019 का आयोजन किया गया, मंत्री दारा सिंह चौहान ने उद्घाटन किया। बुलंदशहर में मकान के बाहर रैम बनाने को लेकर पथराव और मारपीट हुई, मारपीट में 4 लोग घायल हो गए।